हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भक्ति पूजा। मैं कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स लिमिटेड आईपीओ की लिस्ट 11 सितंबर वेडनेसडे को होने वाली, यानी कि कल ही आईपीओ लिस्ट होगा। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा ये जानने से पहले हम लोग इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियल शुरुआती दौर में ये लॉस मेकिंग कंपनी भी है। 22 में 260.63 लाख के लॉस पर था, लेकिन 23 में 880.76 लाख के प्रॉफिट पर पहुंच चुका। ये लॉस को कवर किया, प्रॉफिट पर पहुंच चुका, ये सरप्राइज रहा। और एक साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 2618.29 लाख पर पहुंचाया, लगभग यहाँ पर दुगना तिगुना का ग्रोथ किया है। तो प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ को बनाया है। अगर यहाँ पर देखें तो 197% अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। रेवेन्यू भी 68% इंक्रीज किया है, 14,193.89 लाख से बढ़ा करके 23,898.58 लाख पर पहुंचा। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति ठीक दिख रही है। शुरुआत में भले लॉस मेकिंग कंपनी रही, फिलहाल इसकी स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 72.78% है, आरओसीई 57.57% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 52.82% है, डेट फ्री कंपनी है। निवेशकों के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। पैट मार्जिन 11.4% है, पीई प्री आईपीओ 16.6 है एंड पोस्ट आईपीओ 18.8 है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत अच्छा दिख रही है। बात करें बिजनेस की, 2004 की स्थापित कंपनी मैक कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट लिमिटेड आईपीओ या एमआईसीई एंड इवेंट सेक्टर में यह कस्टमाइज्ड सर्विस की सर्विस प्रदान करती है, जैसे मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की सर्विस प्रदान करती है। इसका बिजनेस बहुत बेहतरीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक है। इसकी मीडियम लेवल की बिजनेस कर रहा है, जहां पे यह कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट की सर्विस प्रदान करती है, साथ ही साथ एग्जीबिशन मैनेजमेंट एंड ग्लोबल इवेंट प्लानिंग की सर्विस प्रदान करती है। और अब तक यह ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड लोकल एक्टिविटीज एंड ऑन साइट कोऑर्डिनेशन एंड एकोमेंडेशन एंड वेन्यू सिलेक्शन सर्विस प्रदान कर चुकी है। और यह अब तक बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विस प्रदान करती है और कर चुका है 90 इवेंट्स। पिछले साल ही 23-24 के सेशन में 90 इवेंट्स को इसने ऑर्गेनाइज किया है। लंदन, मसूरी, बेंगलोर, साउथ कोरिया, पेरिस, गोवा, सिंगापुर इत्यादि, श्रीनगर जैसी बड़ी बड़ी शहरों में एंड अलग कंट्री में, लंदन जैसी बड़ी कंट्री में बड़ी प्लेस पर, बड़ी शहर पे ये अपनी सर्विस दे चुका है, अपनी इवेंट प्लान कर चुका है। तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, यह एक इवेंट के काफी अच्छा पैसा चार्ज करता है। तो बिजनेस इसका ठीक ही है, यूनिक बिजनेस नहीं बोल सकती या फिर हाई लेवल की बिजनेस नहीं बोल सकते, लेकिन आज की युग में इस तरीके की बिजनेस चल रही है। अभी मॉडर्न एरा में इस तरीके की बिजनेस काफी चर्चे में है, लेकिन इस तरीके की बिजनेस मुझे थोड़ा सा महंगी दिखती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के भीड़ से पर्सनली इस तरीके की आईपीओ में या फिर इस तरीके के बिजनेस में मैं पैसा लगाने से थोड़ा सा बचती हूँ। ऐसे बिजनेस को मैं स्किप करना ही बेहतर समझती हूँ, लेकिन ठीक ठाक ही बिजनेस कर रही है एंड इसमें फाइनेंशियल स्थिति अभी अच्छा दिख रहा है। ये आईपीओ लगभग 196.70 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल कैटेगरी में 136.85 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 403.69 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 146.66 गुना। फाइनेंशियली तो ठीक दिख रही है, बिजनेस मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है पर्सनली। बाकी इसकी सब्सक्रिप्शन भी ठीक है, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जीएमपी की बात करें, इसके जीएमपी की ओपनिंग 100 रुपए पर हुई थी, बढ़ करके 220 तक भी पहुंचा था, अभी फिलहाल 170 रुपए पर है। जीएमपी घटता बढ़ता हुआ दिख रहा है। अनलिस्टेड मार्केट में 395 पर ट्रेड करिए, कट ऑफ प्राइस 225 रुपए है। अनलिस्टेड मार्केट में 75.56% की बेनिफिट दे रही है। तो एक यहाँ पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आईपीओ नहीं है। लिस्टिंग पर जो पैसा मिल जाता है, जो बेनिफिट मिल जाता है, लेकर के आउट हो जाए वही बेहतर है। भविष्य में यहाँ पर मल्टीपल रिटर्न्स इसमें बनने वाले नहीं है। थोड़ा सा पर्सनली मेरा व्यू है कि इसमें मल्टीपल रिटर्न्स नहीं मिलने वाले,
तो अगर लिस्टिंग के लेकर के आउट होना है तो आउट हो सकते हैं। इसकी जीएमपी और लगातार ड्रॉ डाउन होते हुए दिख रहे हैं, तो जीएमपी और ड्रॉ डाउन होती हुई है तो 20% से ज्यादा जीएमपी ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग गेन 55% एंड अधिकतम 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट होगा। 55 से 90% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग होने का चांस है। आई थिंक सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक से जोड़ कर रहे हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।